नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। यूपी के बरेली से एक हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल यह घटना कोतवाली के कुछ ही कदमों की दूरी पर हुआ। बता दें कि एक शख्स का गला रेतने के बाद उसको जलाकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। बता दें कि यह मामला बरेली के सिविल लाइन कोतवाली का है। यह घटना बरेली के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आजम नगर का है। यहाँ कुमार टाकिज के पास बीती रात गारमेंट्स की दुकान पर काम करने वाले युवक मोनू सक्सेना की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बरेली के एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने क्या कहा, सुनिए। क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है? ये थाना कोतवाली अंतर्गत कुमार टाकिज के पीछे आज एक शव मिला। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और आसपास में मोहल्लों में उसका फ़ोटो लेकर शिनाख्त करवाई गई, तो उसकी शिनाख्त मोनू सक्सेना मोहल्ला भूड़ थाना प्रेमनगर क्षेत्र का निवासी है। ये शिनाख्त हुई और इसके परिवारजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। ऐसा अभी प्राइमरी फेसी लग रहा है कि इसे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, सर पे चोट है और बॉडी को डिफेस करने के लिए बॉडी को इस तरीके से किया गया कि ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और बॉडी वैसी अवस्था में हमें मिली है। उसको जलाया भी गया? हाँ, बॉडी को जलाने का भी कोशिश की गई। साथ ही मामले की जांच में स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है, लेकिन एक बार फिर कोतवाली के नज़दीक हुई घटना से पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।